सो so, हमने कैलकुलेट कर लिए लेकिन आप अपने पेपर में या अपने थीसिस में वैल्यू रिपोर्ट कैसे करेंगे रिपोर्टिंग के लिए जैसा हमने वन टी टेस्ट में मैंने आपको बताया कि आप साथ में स्टेटमेंट भी देते हैं और साथ में अपने टी स्टेटिस्टिक्स भी देते हैं एज़ पर ए पी ए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फॉर्मेट के मुताबिक दिस इज़ हाउ यू विल रिपोर्ट द रिजल्ट हमारी पिछली जो केस था वो ये था कि दो ग्रुप्स को Uh, एक बंदे के बारे में सेंटेंस लिखने के लिए कहा गया है और उसके दोनों को एक जैसी इन्फॉमेसन दी गई है लेकिन एक ग्रुप को एडिशनल इन्फॉमेसन दी गई है कि कुछ एविडेंस विदहल किया गया है तो वी विल राइट दैट द पार्टिसिपेंट्स हु आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द विधेल द एविडेंस गेव सिग्निफिकेंटली लॉन्गर सेंटेंसेस दैन दोज पार्टिसिपेंट्स हु आर नॉट इन्फॉर्म्ड तो हमने बताना है वर्ड्स में भी कि देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस और उस सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब क्या है विच ग्रुप इज ग्रेटर दैन द अदर एंड इन वाट तो हम कहेंगे कि ग्रुप वन या जिस ग्रुप को हमने एडिशनल uh, एविडेंस दिया था दे गिव सिग्निफिकेंटली लॉन्गर सेंटेंसिस दैन दोज पार्टिसिपेंट हुर नॉट इन फॉर्म्ड अबाउट द विद एविडेंस द मेन डिफरेंस वॉज सिग्निफिकेंट एंड इस तरह से हम उसकी टी वैल्यू रिपोर्ट करेंगे टी और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है एन वन माइनस वन होता है सो दो ग्रुप्स हैं दोनों में एन आठ आठ है तो एन वन माइनस वन एन एन टू माइनस वन विच में सेवन एन सेवन विच इज़ फोर्टीन और वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड माइनस थ्री पॉइंट फाइव थ्री है और हम बताएंगे कि पी इज़ स्मॉलर देन पॉइंट जीरो फाइव और हमारी पी की वैल्यू जब भी पॉइंट जीरो फाइव से स्मॉलर होती है इसका मतलब है कि हम रिजल्ट सिग्निफिकेंट होते हैं और हम नाला हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं um, समटाइम्स वैसे अगर आपके पास पी की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आ रही होती और ग्रेटर आ रही होती है पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव से तो यूजली हम इसको ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि पी एग्जैक्टली exactly आप लिखते हैं यानी पी इज़ ये टी एग्जैक्टली इस तरह का लिख के और आप फिर लिखेंगे कि पी इज़ इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ज़ीरो एट वन वट एवर इज़ द वैल्यू लेकिन अगर आपके सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं तो आप उसको पी स्मॉलर देन पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव या अगर आपकी पी की वैल्यू टेबल में पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन है तो फिर आप उसको लिखेंगे पी स्मॉलर दैन पॉइंट जीरो वन या पी स्मॉर देन पॉइंट जीरो ज़ीरो वन जितना भी आपकी फी वैल्यू अभी हम एसपीस में करते हैं तो फिर आई विल टेल यू मोर अबाउट पी वैल्यू एंड हाउ वी रिपोर्ट इट लेकिन मेनली आपने ये चीज़ रिपोर्ट करनी होती है इसमें टी अटेलेसाइज होता है आपके अंडर स्क्रिप्ट के अंदर फोटीन आप देते हैं और टी की वैल्यू और फिर पी भी अटेलेसाइज होता है और फिर आप उसके आगे uh, लिख देते हैं स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन वाट एवर दर सी एन इज़ इफ़ एन एग्जैक्ट प्रॉबिलिटी इज़ अवेलेबल फ्राम द कंप्यूटर एनालिस इट शुड भी रिपोर्टेड जो मैंने अभी बताया है कि अगर पी की वैल्यू नॉन सिग्नीफिकेंट और एग्जैक्ट वैल्यू दी वी है व्हाट एवर के पी इज़ इक्वल टू पॉइंट फोर एट तो आप उसको एक्जैक्टली exactly रिपोर्ट कर देते हैं बजाय ये लिखने के पी इज़ स्मॉलर दैन पॉइंट जीरो फ़ाइव या पी इज़ ग्रेटर दैन पॉइंट जीरो फ़ाइव इफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल रिपोर्टेड टू डिस्क्राइब अ साइज इट अपीयर्स अब वो ए पी ए रिक्वायर करते हैं बहुत से जर्नल्स अगर आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं दे वॉन्ट कि आप सिर्फ पी वैल्यू रिपोर्ट ना करें बिकॉज वी नो कि हमारा जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है और साम्पस साइज बड़ा होता है तो हमारी सिग्नीफिकेंस uh, ऑटोमेटिकली आ जाती है यानी हम स्मॉलर डिफरेंसेस भी डिटेक्ट कर लेते हैं सो इट इज़ कहीं न सांप साइज़ डायरेक्टली आपका रिलेटेड होता है uh, आपकी सिग्निफिकेंस से या आपके रिजल्ट से तो अब कहते हैं कि आप इफ़ेक्ट साइज़ को रिपोर्ट करें ताकि इफेक्ट साइज़ हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना है फर्स् करें आपके जैसे मैंने एग्जांपल देती हूँ कि आप बॉयज़ और गर्ल्स को स्टडी कर रहे हैं और मैंने आईक्यू टेस्ट किया है और मैं कह रही हूँ कि जी बॉयज़ का मोर इंटेलिजेंट दैन द गर्ल्स जस्ट इन केस आप कोई भी बना सकते हैं इट्स नॉट अ अस थिंग सो आपने uh, अगर बॉयज़ का फर्स्ट करें स्कोर नाइन आया है और गर्ल्स का एट आया है क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है और क्या ये मैं क्लेम कर सकती हूँ कि यस दे आर सिग्निफिकेंटली इंटेलिजेंट इन द बॉयज़ अगर डिफरेंस माइन्यूट है लेकिन अगर सैंपल साइज़ हम इंक्रीज कर दें फॉर एग्जांपल अगर आठ और नौ के ऊपर ही आप 200 का सैंपल ले लें या 250 का ले लें या इवन 100 से ऊपर भी ले लें तो आपके रिजल्ट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके सिग्निफिकेंट आ जाएं। तो फिर हम उसमें इफ़ेक्ट साइज़ रिपोर्ट करते हैं कि उसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है यानी इफेक्ट साइज़ हमें बताता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस तो अगर हमने वो रिपोर्ट करने है तो फिर हम टी वैल्यू के साथ आगे उनके इफेक्ट साइज़ भी रिपोर्ट कर देते हैं जैसा हमने पीछे वैल्यू में आ, ये टी की वैल्यू दी और साथ ही हम डी कॉन्स डी यूजली हम कैलकुलेट करते हैं उसके साथ हम डी की वैल्यू भी रिपोर्ट कर सकते हैं क्या दिस इज़ ओवी रिपोर्ट एज पर ए ए